यहाँ पर ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के भगवान की स्तुति की। उन्होंने कहा कि तस्मै नमो भगवते नुविधेम तुभ्यम योनाद्रितो नरक भाग में वीर्च प्रसंगम। यहाँ पर उन्होंने कहा हे भगवान आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने भगवान की स्तुति की। एक बात बड़ी अच्छी कही उन्होंने कहा नाति प्रसीदति तथो पचितो पचारै राराधितिम सुरगणै हृदयबद्ध कामै यत सर्वभूत दयया सबदर्लब्धयै को नाना जने स्वहिता सुहृदांतरात्मा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि न अति प्रसीदति तथोपचितोपचारे उपचित उपचारों के द्वारा आपका आराधन पूजन करने के पश्चात भी आप न अति प्रसीदत बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं। प्रसन्न तो हो जाते हैं लेकिन बहुत प्रसन्न नहीं होते हैं। और किसके द्वारा आराधितो सुरगणै देवताओं के द्वारा जब आराधना की जाती है तब भी आप नहीं उतने प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय बद्ध कामई हृदय में कामनाओं से भरा हुआ हृदय जो होता है देवताओं का भी तो भगवान आप इतने प्रसन्न नहीं होते हैं। तो फिर कही कैसे प्रसन्न होते हैं? बड़ा आसान उपाय है। तो कही कि कैसे? कही कि यत सर्वभूत दया जो समस्त प्राणियों पर दया करके जो आप प्रसन्न हो जाते हैं। जो है कैसा दया? जो असत अलभ्य को कहने लगे कि ये जो दया जो है ना, एक बार बताए माता विद्यालय में आप जाओ तुमको भूगोल पढ़ा दी जाएगी साइंस पढ़ा दी जाएगी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा दी जाएगी सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा लेकिन दया तुम्हें नहीं पढ़ाई जा सकती है। ध्यान रखो दया कभी भी पढ़ा करके किसी के अंदर दया जो होती है ना वो भगवान के द्वारा ही भेजा जाता है। समझ गए? ये सॉफ्टवेयर है जो भगवान ही डाल करके भेजते हैं। और ये मिलता किसे है दया का गुण? जिस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है जिस पर भगवान इतनी कृपा करते हैं कि चाहते हैं कि मेरे भक्त का कभी भी पतन ना हो। और क्यों ना हो पतन? क्योंकि मेरा भक्त मुझसे बड़ा प्रेम करता है। उसके अंदर भगवान दया डाल करके भेजते हैं। समझ गए? तो यहां पर उन्होंने कहा कि यत शब्द लभ्या यत सभ्य सदलभ्ययी को नाना जनेश्वहिता सुहृदांतरात्मा। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप उसी से बहुत प्रसन्न होते। क्या मतलब आप समझे माता? इस बात को समझ पाए कि नहीं? नहीं समझे? कहो नहीं समझे? समझ गए? बहुत नहीं समझे? ध्यान रखो कितनी भी आराधना कर लो परमात्मा उतने प्रसन्न नहीं होते हैं। कितने? जितने दूसरे जीव पर दया करने से परमात्मा प्रकट होते हैं। सच है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ माता, कोई माता हो पड़ोसन, ठीक है, और तुमसे बिल्कुल ना बोलती हो, ठीक है, लेकिन होली दीपावली तीज त्योहार में तुम्हारे बच्चों को खूब बढ़िया मिठाई खिलाए, सच बताना तुम्हारे मन में
उस माता के लिए श्रद्धा हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी ना। क्यों? हमारे बच्चों को हमसे नहीं बोलते कोई, लेकिन हमारे बच्चों को कितना प्रेम करती है, तो है कि नहीं? तो सच बताना, संसार में जो भी जीव है, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा हाथी मनुष्य जो भी है, परमात्मा के भेजे हुए हैं कि नहीं? परमात्मा के बनाए हैं ना। तो परमात्मा जब सबके माता पिता है, तो जितने भी जीव है सब उसकी संतान है कि नहीं? तो जब हम भगवान की बनाई हुई संतान से प्रेम करने लग जाएंगे, तो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए और दूसरा क्या चाहिए? जैसे माता के तो राम राम भी नहीं करी माता, अपने आप प्रसन्न हो जाती उससे। क्यों? उसके बच्चों से प्रेम कर रहे, देखभाल कर रहे, अपने आप माता को प्रसन्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो प्रसन्न हो जाती। भगवान भी ऐसे ही है, वो भी माता पिता हैं, उनके बच्चों से तुम जब तुम प्रेम करना शुरू कर दोगे, तो ये ध्यान रखो, परमात्मा को प्रसन्न करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। समझ गए? ये बातें हैं। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु गमे विवशा गृणन्ति तेनैक जन्म शमलं च सैव हित्वा संयात्य पावृतामृतम तमजम प्रपद्ये। कहने लगे कि यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि, जिनके जिन परमात्मा के अवतार गुणों कर्मों का नामानि और नामों का, और ये असुविगमे जो मरते समय उनका स्मरण करे, असु माने प्राण और विगमे माने जाते समय, प्राणों के जाते समय माने मरते समय जो भी उनका विवशा ग्रणंती, प्रेम से नहीं ना, प्रेम से नहीं, विवश होकर के भी ग्रणंती जो गा दे, बोल दे मुंह से, तो फिर क्या होता? तेनैक जन्म शमलम, वो अनेक अनेक जन्मों के शमल माने पाप को सैव हित्वा अचानक सारे पापों से दूर हो जाता है, और संयांत पावृतम मृतम तमजम प्रपद्ये, और अंत में अमृतम अमृतत्व को प्राप्त होकर के तम अजम उसी परमात्मा को प्रपद्ये प्राप्त हो जाता है। ये आपकी कृपा है भगवान। बोलिए गोविंद भगवान की जय।